ऑपरेशन लोटस यानी ऑपरेशन कमल। नमस्कार दर्शकों, ये वीडियो आप देख रहे हैं आम प्रेस की यूट्यूब चैनल आम प्रेस टीवी पर। आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, घंटी बजा सकते हैं, आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। तो ये ऑपरेशन लोटस क्या है? आज ट्विटर पे बहुत हलचल है। कुछ महीने पहले कर्नाटका में इलेक्शंस हुए, पहले वहाँ पे भाजपा की सरकार थी, अभी इलेक्शंस के बाद जेडीयू की सरकार आई कांग्रेस की सपोर्ट के साथ। नेशनल इलेक्शंस 2019 के आने वाले हैं, बस 3-4 महीने दूर हैं। इस सब में खबरें आ रही हैं कि कुछ कांग्रेस के एमएलएज को तोड़ा जा रहा है ऑपरेशन लोटस के अंतर्गत कर्नाटका में। लेकिन बहुत ही जल्दी मीडिया पे यू टर्न की खबरें आई, यानी भाजपा के कुछ एमएलएज टूट के कांग्रेस के पास जाने वाले हैं। अब जो इंडियन वोटर है वो तो इलेक्शंस के टाइम पे खड़ा होके लाइनों में लगता है, अपना विचार व्यक्त करता है कि उसकी वोट कहाँ जानी चाहिए। उसके बाद पार्टियां गठबंधन करती हैं और गठबंधनों के बाद फिर ये सरकार को गिराने की या बचाने की कोशिशें शुरू हो जाती हैं। जो इंडियन वोटर हैं यानी जो आप लोग हैं, आप तो समझदार हैं, अपना क्लियर डिसीजन देते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये जो सरकार बनाना और गिराना के काम होते रहते हैं, ये भारतीय डेमोक्रेसी को वीकन करते हैं। बात ये नहीं है कि कौन किसकी सरकार गिरा रहा है, कौन सी पार्टी किसके पार्टी के एमएलएस की वो तोड़ फरोख कर रही है। बात ये है कि एट द एंड ऑफ द डे भारतीय डेमोक्रेसी जो है इन सब चीज़ों से स्ट्रेंथन नहीं होती, वीकन होती है। बस आज ट्विटर पे ये गर्मा गर्मी जो चल रही थी वो देखा तो मैंने सोचा चलो आपके साथ भी शेयर करूं कि आप लोग कम से कम अवेयर तो हों कि भारत के पॉलिटिकल सिनेरियो में क्या चल रहा है। मीनवाइल बहुत लोग मेरे से सवाल पूछते हैं कि किसको वोट करें। मैं हमेशा आपको एक ही सलाह देता हूं, आपके क्षेत्र के जो कैंडिडेट हैं चाहे वो कौन सी भी पार्टी के हों, अगर आपको लगता है कि वो अच्छे कैंडिडेट हैं, वो उन्होंने अच्छा काम पीछे किया है या वो अच्छा काम करने की संभावना है उनकी, उनका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, ये फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कौन सी पार्टी के हैं। अब उस कैंडिडेट को वोट कीजिए जो आपको लगता है कि आपके एरिया में सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट कर सकते, राइट? इसी तरह चलेगी ना डेमोक्रेसी। यही सपना था शायद हमारे फ्रीडम फाइटर्स का, और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जिन्होंने हमारी कॉन्स्टिट्यूशन लिखी, और इतने सालों से जो भारतीय डेमोक्रेसी चली आ रही है, इतनी स्ट्रांग चली आ रही है। वैसे आपको एक बात और बता दूं, दुनिया में भारत की इतनी ज़्यादा इज्जत इसीलिए है क्योंकि भारत की डेमोक्रेसी को स्ट्रांग माना जाता है। आइए इसको और मजबूत बनाएं। जय जनता।